नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है जीएस न्यूज। 2021 का यह वर्ष है और पंचायत चुनाव भी आकर तैयार है, तो पंचायत चुनाव में महासंग्राम के लिए हमारे जीएस न्यूज पर शुरू हो रहा है पंचायती सियासत। जी हां, पंचायती सियासत का यह एपिसोड जिसकी आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसमें प्रत्येक पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे, जो प्रबल दावेदारी ठोकेंगे या जो दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनसे हम मिलेंगे और वो क्या कहते हैं, उनकी क्या रणनीति है, क्या कह चुनाव में उतरेंगे, इनसे आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो आइए, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम आज के इस एपिसोड में जो हमारे साथ हैं इनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं गोसाई गाँव पंचायत के गोसाई गाँव पंचायत समिति पद के लिए प्रबल दावेदारी के रूप में चुनावी मैदान में है, ये उनसे जानते हैं। मैडम, आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और बताएं कि जो है आप किस पद के लिए और किस पंचायत से आ रही हैं चुनाव में। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम, और मेरा नाम रंजीता झा है, मैं इस गांव की बहू हूँ। पहली बार इस चुनाव में आई हूँ, मेरे परिवार द्वारा लिया गया है ये निर्णय, जिसमें मेरे परिवार ने कहा कि आप इसके लिए समाज सेवा में। आप किनको प्रेरणा मानती हैं और आप इस चुनावी मैदान में आई? मैं अपने पति को अपना प्रेरणा मानती हूं और वो हमको बोले क्या कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ऐसा कर सकती हो, तो तुम आओ। मैं, मेरी प्रेरणा मेरे पति ही मतलब चुनावी मैदान में, चुनावी मैदान में तो लगातार जिस तरह से गृहिणियां आती हैं, तो पति से भी जानते हैं इनके प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में है और इस चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार के साथ प्रतिनिधि के रूप में है, आइए उनसे भी जानते हैं। तो हमारे साथ हैं इनके रंजीता झा के प्रतिनिधि करने वाले इनके पति संकट मोचन झा। जी सर, बताइए कि ये चुनावी मैदान में आ पाए हैं, मतलब पंचायत चुनाव में क्या सोच कर आए हैं, अपना परिचय दें और बताएं। सबसे पहले गोसाई गांव के देवमयी जनता को संकट मोचन झा का प्रणाम। सर्वप्रथम मैं ये सोचा कि इस गाँव में जो है विकास नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। मैं पीछे के प्रतिनिधि का कोई आलोचना नहीं कर सकता हूं। इस गांव में सबसे बड़ा चीज़ है किसी का कोई सुनता नहीं और ना कोई किसी का पंचेती करता है। एक ही तकलीफ है, विकास की बात तो दूर है, सर्वप्रथम किसी का कोई पंचेती नहीं होता है। मेरा एक शुरू से बचपन से ही शौक था कि आप लोग खुद जानते हैं कि शिवरात हो, कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। इस बार मैं कोशिश किया हूँ कि मैं अपने पत्नी को इसमें खड़ा करके, क्योंकि मैं कामकाजी आदमी हूँ, मैं उतना समय हो सकता है नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने पत्नी को जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा करना चाहता हूँ और मेरा सहयोग रहेगा, मैं हर समय इनके साथ रहूँगा और जनता का सेवा करूँगा। गोसाई गाँव पंचायत से आपकी प्रबल दावेदारी है, किस पद के लिए आप तैयार हो रहे हैं? अभी तो मैं पंचायत समिति पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ और आगे कोशिश रहेगा, अगर भगवान चाहा तो मैं प्रमुख का उपप्रमुख का दावेदारी करूँ। बिल्कुल, और हमारी भी शुभकामनाएं आपको, अगली शुभकामनाएं। एक सवाल हमारा है सबसे पहले कि आप समाज सेवा से तो पहले से जुड़े हुए हैं, आप इस गांव के लड़के हैं, युवा हैं, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं या कैसे आप इस क्षेत्र में आए? जी मैं इस विषय में क्या बताऊँ, एक बार मन में आया कि नहीं, मेरा आधा उम्र तो अब खत्म हो चुका है और आधा उम्र जो है थोड़ा गांव का सेवा में करना चाहिए, और दूसरा कोई देखा नहीं क्योंकि कोई बढ़िया कैंडिडेट जो है काम कर रहा है, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर हो सके तो हमसे बढ़िया काम हो, आगे ईश्वर की दया। क्या बात है। तो इस बार जो है आपकी इस पंचायती चुनाव, जो अभी बिगुल नहीं बजा है, बिगुल बजेगा तो फिर तैयारी शुरू होगी, हाल बहुत जल्द बिगुल बजने वाला है, तो मतलब क्या कह के आप जो है लोगों को वोट के लिए अपनी ओर कहेंगे, यानी कि आप क्या कह के वोट मांगेंगे? मैं तो इस गांव का बच्चा हूँ जी, मुझे कोई बाहर से तो वोट मिलना नहीं है, मुझे तो अपने गाँव से वोट मांगना है, तो चाचा है, भाई है, जो भी है सबसे वोट मांगना है, बहन है जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि मुझे कहीं बाहर मांगना है। आपकी लड़ाई किनसे होनी है चुनाव में, आप किनसे लड़ेंगे? मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं समझता हूँ मेरा मुकाबला कुछ नहीं, कोई नहीं है जी। मेरे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है जी। और मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ, अगर जनता को समझ में आएगा तो मुझे वोट देंगे। क्या बात है।
तो अभी जो है कोई किसी ने भी अपनी दावेदारी ठोकी है आपको जहां तक जानकारी है क्या? कि अभी तक तो मैं निर्विरोध हूँ जी, अभी तक मैं निर्विरोध हूँ। मतलब आप जिस पद के लिए हैं इस पद में अभी तक और किसी ने? मैं निर्विरोध हूँ। आप निर्विरोध? मैं निर्विरोध हूँ। तो ये जो है प्रतिनिधि के रूप में है और इनका कहना है कि ये निर्विरोध हैं क्योंकि इस पद पर और किसी का कोई चर्चा इनके पास नहीं आया है और इन्हें जानकारी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि मैं निर्विरोध होकर जीता हूँ। चलिए, एक सवाल हमारा आपसे है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कहा जाता है कि जो चुनाव होता है खास करके पंचायत चुनाव होता है इसमें आपसी सद्भाव गड़बड़ाने की आशंका रहती है क्योंकि अपने लोग ही प्रबल दावेदार होते हैं, ऐसा नहीं है जी। आपका कैसा है समाज में उस हिसाब से काम होता है। पंचायत चुनाव में कोई भी नहीं, हमारे यहाँ पर जितने भी हैं जितने भी कास्ट हैं सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई द्वेष नहीं है इस गाँव में। और ये एक सरस्वती का देन है इस गाँव में कि आज तक कोई भी हिंसा नहीं हुआ, कोई भी वो नहीं होता है। इलेक्शन के समय की बात अलग होती है, इलेक्शन बीत जाने के बाद फिर हम लोग सब भाई भाई हैं। क्या बात है। अच्छा, एक मेरा एक बस अंतिम सवाल आपसे होगा कि मतलब चुनाव को लेकर किस तरह से आप रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरह चुनाव लड़ा? अभी तो शुरुआत है जी, अभी तो थोड़ा टाइम भी है जी, इसीलिए मैं हूँ, आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि मेरा रणनीति क्या है। क्या बात है। और ये जो है उम्मीदवार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो बिल्कुल हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताते चलेंगे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो आज के इस पंचायती सियासत में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हम बताते चलें कि अगर आपके भी मन में है कि आप हैं प्रतिनिधि या आप देना चाहते हैं सवालों का जवाब या जनता से होना चाहते हैं रूबरू, तो हमारा फ़ोन नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर हमें कॉल करें, हमारी टीम आपसे मिलेगी और जल्द ही हम भी आपको सवालों के इस कटघरे में लाएंगे और हम फिर आपके साथ चलेंगे इस पंचायती सियासत में। तो आज के इस पंचायती सियासत के पहले एपिसोड में कैमरामैन समित के साथ मैं वरुण बाबुल।